नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। प्यार का इजहार करने के लिए वैलेंटाइन वीक की आज यानी कि 7 फरवरी से शुरुआत हो रही है। हफ्ते के पहले दिन रोज डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन गुलाब के फूल देकर अपने पार्टनर के सामने अपने इमोशंस का इजहार किया जाता है। लेकिन कभी ये सोचा है कि आखिर गुलाब दिया क्यों जाता है? हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हम कई रिश्तों से जुड़े हुए हैं। रोज़ डे हमें मौका देता है हम अपनी लवर, भाई या बहन या दोस्त को रोज़ देकर इस रिश्ते में ताजगी भर दें। गुलाब के फूल आपको कई रंगों में मिल जाएंगे, जिसमें रेड, पिंक, येलो, वाइट रोज़ होते हैं। इन फूलों को किसी को गिफ्ट में देने से ये किसी के भी चेहरे पर खुशी ला सकते हैं। इन फूलों के रंगों की अलग अलग इम्पॉर्टेंस भी है। इस दिन हर रंगों के गुलाब आपको मार्केट में दिख जाते हैं। रेड रोज कपल्स का प्यार जताने के लिए ये सबसे फेवरेट गुलाब है। इसकी डिमांड रोज डे के दिन खासी बढ़ जाती है। पिंक रोज, जब आप किसी से इम्प्रेस होते हैं और उसकी तारीफ करना चाहते हैं तो आपके लिए गुलाबी रंग काफी खास हो जाता है। गुलाबी गुलाब की एक और बात है कि ये अपनेपन को भी दिखाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। येलो रोज, जब आप नए दोस्त बने हो और फिर आप दोस्ती की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये गुलाब आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। और वाइट रोज, ये आपको पता ही होगा कि शांति और एकता के लिए जाना जाता है। इसे आप अपने दोस्त को पक्की दोस्ती के लिए दे सकते हैं। अगर आप अपने रिश्ते को लंबे समय तक के लिए बरकरार रखना चाहते हैं तो भी आप वाइट रोज अपने दोस्त को दे सकते हैं। ऑरेंज रोज, हालांकि आपको इस रंग के गुलाब बाजार में बहुत ही कम मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपने प्यार के जुनून को दर्शाना चाहते हैं और साथ ही साथ ये भी बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए पैशनेट हैं, तो आप उनको ये ऑरेंज रोज तोहफे में दे सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।